ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होगा? इट इज अ बोल्ड रिस्की डेंजरस एक्टिविटीज इन विच वी फाइट विद अवर सेल्व्स नॉट विद द अदर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ओपन नेचर एक्टिविटी. ठीक है, इट इज अ फुल ऑफ थ्रिल रिस्क डेंजर एक्साइटमेंट स्टंट्स. दिस इज ऑल्सो एडवेंचर स्पोर्ट्स. जो डिफरेंट स्टंट्स करते हैं ना, आपने देखा होगा अभी इन्होंने बॉम्बे साइड में बैन कर दिया, वहां छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और बिल्कुल आपके रोड के साथ वहां पे सिग्नल बने होते हैं. ठीक है, कोई ब्रिजेस हैं, वो मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का काम है. अगर वो थोड़ा भी बाहर हो गए तो, और बहुत एक्सीडेंट ऐसे हो गए. फिर आपने ये बाइकर देखे होंगे, आप अगर कहीं पे दिल्ली में या बॉम्बे वगैरह वहां पे आपने देखा होगा, रोज कोई ना कोई वो पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं. वो एक चल जाते हैं रोड पे और पूरा वहां स्टंट कर रहे हैं. ठीक है, और जो मोर ओवर आपके बाइक्स अब आ गए हैं, दे आर मच मोर कॉस्टली देन द फोर व्हीलर कार्स. हार्डली के आपने देखा होगा. और सम आपने जो जाते हैं ना, जैसे चाइना बॉर्डर पे हैं, लेह लद्दाख है, वो बाइक पे चले जाते हैं लोग, वो बहुत ग्रुप्स में जाते हैं. उनके पास सीच एंड एवरीथिंग अपने पास होगा, टेंट से लेके सोना खाना रहना पीना सब कुछ. वो भी एक उनका डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं. वो पूरी कवरेज आपको देंगे, पूरी अपनी वीडियो बना के देते हैं. आपने देखा होगा यूट्यूब में डाली होती है, कहाँ से कितना रूट कैसा है, एटमॉस्फेयर अगर ज़्यादा आपका हाइट पे हो तो आपको ज़्यादा देर अपने को फेस को हैंड्स को ओपन नहीं रखना है, वो सारा आपको गाइड भी करते हैं. तो वो सारा वो एडवेंचर स्पोर्ट्स ही है. और वो बाइक इतने कॉस्टली है, उनके उनकी रेस इतनी है. और बहुत से ऐसे हैं बच्चे हैं जो एक्सीडेंट जिनका हो गया, सम ऑफ देम डेथ हो गई है. ठीक है, वो स्टंट्स करते हैं, वो एक टायर पे पीछे वाला टायर उसको कर्व में करना है, उससे ज़्यादा फिर जितनी तेज उसकी स्पीड है उसको करना है. तो ये टोटली सिटीज में बैन है. ठीक है, बट वो क्या करते हैं, 12-1-2 बजे निकल जाएंगे अपने, उसको शाम के रख लेगी घर. ठीक है, तो इसमें व्हाट आर द मेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट डाउन फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स के हेडिंग्स में लिखा रहा हूं, अगर आपको नहीं इसको अंडरस्टैंड करते हो तो आई विल एक्सप्लेन देम. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, देन लीडरशिप क्वालिटीज, ओवरकम प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट. एक्साइटेड होते हो आप वो काम करने के, कोई भी एडवेंचर, एक्साइटमेंट. इंप्रूव मेंटल एबिलिटी, मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, जिसको मेंटल फिटनेस बोलते हैं. मेंटल फिटनेस, कितने हो गए? देन पॉजिटिव थिंकिंग. इफ यू आर नॉट पॉजिटिव तो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो. अगर आप पॉजिटिविटी नहीं होगी, अगर आप डर आपके सामने आ गया ना, तो आप वो नहीं कर सकते. इसलिए आपको पॉजिटिविटी आप में मिलती है, आपने ये काम करना है करना है. अगर आपके माइंड में सेकंड थॉट आ गई है ना, यू कांट डू. अगर आपने ये सोच लिया मैं जाऊंगा गिर जाऊंगा, ये हो गया वो हो गया. अब जैसे ग्लाइडिंग किसने की है, तुमने की है, वहां पे भी वो बोलते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस देखते हैं वो,
एयर की जो विंड है वो कहाँ जा रही है, आपका वेट कितना है, कब गया था तुम, बहुत छोटा होगा। हाँ, जो जो बड़े लोग जाते हैं ना, जो ओवरवेट होते हैं, वहां प्रॉब्लम आती है, वो जो एयर की जो वेव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। अगर वेट ज्यादा होगा आपकी लैंडिंग, उसको आदमी का अगर वेट ज्यादा हो, जब लैंड करते हैं तो आपको थोड़ा सा हल्का सा स्टेप इन करना पड़ता है, और जब वो टेक ऑफ करते हैं वो भी बड़ा डेंजरस होता है, वो भाग के आते हैं तो वहीं पे डर लग जाता है, पहले उसको पूरा रख देंगे पीछे, ठीक है ना। वो जो आपका गाइड होगा वो आपको बेल्ट बांध देगा सब कुछ, वो थोड़ा सा हल्का सा उसको रनिंग करनी पड़ती है ताकि वो पूरा आपको कवर करके आपको एयर में एकदम लिफ्ट करे, तो वो भी बड़ा डेंजरस है। फिर वो क्या करते हैं एयर में, उनके पास वो रिमोट टाइप होते हैं हैंडल से, उससे उसको साइडवेज ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना वो स्टंट्स, तो उसमें बहुत ज्यादा कईयों को हो जाता है, डर लगता है, और सम टाइम्स अगर वो ज्यादा कर रहे हैं तो वो फोल्ड भी हो जाती है। तो इट विल बी, वन शुड बी डू दिस एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर एक्सपर्ट्स, अदरवाइज जो वो लड़के जो उड़ाते हैं, जो गाइड होते हैं, उनको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये नहीं कि कोई भी आगे चल गए वहां पे, ठीक है। जिनके पास वो अप्रूवल होगी, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट बना होता है कि ही और शी इज ऑथराइज टू फ्लाई, ये काम करने के लिए एबल है। सेम इन द केस ऑफ रिवर राफ्टिंग, अगर आपने रिवर राफ्टिंग की होगी तो वहां पे आपको पता होगा, वहां पे वेव जब आती है ना, उनको मतलब दे आर सो एक्सपर्ट, वो ऐसा उसको करेंगे साइड से कि आपका बिल्कुल साइड से निकल जाओगे, और जो आगे वाले होते हैं ना, जो फ्रंट वाले होते हैं, उनको हेड डाउन नील डाउन करा देते हैं। वो राफ्टिंग की है, रिवर राफ्टिंग जो आपका बोट का होता है ना, बोट के आगे वाले जैसे बैठे होते हैं, जो ये आगे वाले फ्रंट वाले, ठीक है, ये ऐसे है ना, पीछे वो बैठे होता है, यहाँ जो चला रहा है ये, यहाँ पे जो टू मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ नील्स डाउन करा देते हैं। वो नील्स मतलब ऐसे बैठ के हेड को नीचे बोर्ड पे लगा देना एकदम, जैसे ही वो बोलेंगे हेड डाउन या नील डाउन, तो इमीडिएटली आपको क्या होगा, ये वाला जो जब आदमी नीचे बैठ जाएंगे, वेट उनका नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, जो वेव्स यहाँ से आ रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, वो सीधी निकल जाएगी। अगर वो अपराइट में बैठे होंगे तो क्या होगा, हाँ, फिर वहां पे वो टिल्ट भी हो सकती है, और उसके बाद उनका एक और देखो क्या करते हैं, जहां पे फ्लो ऑफ वाटर इज स्लो, थोड़ा स्टेबल होता है ना, तो वहां पे वो बोलेंगे यहाँ से जितने बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ यू कैन जंप इनटू द वाटर, आपको वाटर में जंप कराएंगे, आपकी फोटो पिक्स जो लेनी ले लेंगे, अगेन दे पुल अप यू, जैकेट्स होती हैं डाले भी, ठीक है ना, उनके पास सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे उन्होंने अपने पास जो ये बैठा है यहाँ पे बंदा, यहाँ पे रोप्स रखी होती हैं उन्होंने, अगर इन केस कोई गिर गया कुछ हो गया, वो फटाफट रोप फेंक देते हैं, ठीक है। ट्यूब्स तो आपने डाली है ना, वो तो आपके पास है ही है, पर वहां पे क्या होता है, मीन अगर फ्लो ज्यादा है, तो अगर आप फ्लो में जा रहे हो, जो रॉक्स होती है ना वो हेड पे, कुल्लू में पूरी फैमिली का ही वो एक दूसरे को चीखते रहे, उन्होंने पकड़ा नहीं रोप को, ठीक है। सेकंड व्हाट हैपन्ड कि जो रॉक्स हैं उसमें अगर आपका हेड लग गया, देन इट इज मोर डेंजरस, ठीक है। अदरवाइज वो दो दो तीन तीन जो आपकी राफ्ट है वो साथ चलती है, वो कोई ना कोई करके हेल्प कर देता है, वो रेयर है कि केस ऐसा होता है। उनको हर चीज का उन्होंने बताया होता है कि आपने अगर वेव्स का या वाटर का फ्लो पीछे से तेज आ जाता है समटाइम, व्हाट हैपन्ड कि पीछे फ्लो ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा हो गई है, पानी तो एकदम तेज आ गया, तो वहां पे वो क्या होता है, स्पीड उसकी ज्यादा आगे पीछे हो जाती है, तो ये वो पूरा कंट्रोल करते हैं। बट इट इज अ वेरी इंजॉयफुल, बहुत सेफ होता है। जो उनकी बोट होती है वो कितने कितने की होती है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो बोट होती है इतनी सी, वो इसलिए इतनी कॉस्टली होती है कि जो रॉक्स है वो उसको डैमेज ना कर सके, अगर उल्टी भी हो जाए तब भी वो फ्लो करती रहेगी, आप अगर उसको पकड़ भी लोगे तब तक आपको काफी लोग सेव कर सकते हैं, और भी बोट चल रही होती, तो उन्होंने सेफ रखी होती। सेम आपका जो ग्लाइडिंग करते हैं उसके वो पैराशूट है, दे आर वेरी कॉस्टली, वो भी 5-7 लाख, क्योंकि अगर उसमें हल्का सा भी कुछ भी हो गया तो, और वो पूरा चेक होता है उनका हर बारी, ये नहीं कि आपने एक बार ले लिया है तो उसको आप 10 साल लेके यूज कर रहे हो, ठीक है।
चेक करते हैं, पूरा उनका मॉनिटरिंग होती है, जो जिस सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो ऑथराइज होता है, चेक कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है। सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट लिखो, अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, फोकस ऑन कंसेंट्रेशन, कितने हो गए, 9 हो गए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर आपने करना है तो यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है ना, और पॉजिटिविटी। अदरवाइज आप अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने लग जाओगे, ग्लाइडर को उड़ते हुए देखोगे जब हिल रहा है, या राफ्टिंग वाले को देख लोगे, या रॉक क्लाइंबिंग को देख लोगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर डर गए, अगर सोच लिया ज्यादा, तो यू कांट डू दिस, उसमें सोचने वाला काम ही नहीं है, देर इज नो थॉट ऑफ सेकेंड थिंकिंग। अब जितने जितने ये लोग स्टंट करते हैं, अगर वो पहले ऐसे सोचें, एक सेकंड भी उनका माइंड चल जाए, ऐसा हो गया, दे कांट डू। आपने बाइक देखा ना, कितनी कितनी वो जंप कराते हैं, एयर में करते हैं, क्या सोच सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो देख लो, है तो हमारी तरह ही है ना, एयर में उसको छोड़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, फिर डाउन, मतलब दे आर हमारे सोच से भी आगे हैं। या आपने चलो सिंपल एक वो देखा है, किसी ने वो तो देखा होगा, वो मौत का कुआं, वो तो सबने देखा होगा ना, वो देख लो क्या है, वो कार कहाँ चढ़ा के ऊपर पहुंच जाता है, उससे बाहर निकला है मोटरसाइकिल वाला, पैसे पकड़ रहा है लोगों से, वो कार को ओवरटेक कर रहा है, हाँ कार से बाहर, वो देखो क्या है उनका, उत्थे से सफारी जो है ना, दैट इज मोर, वो लेवल ऊपर चल गए, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्टंट करते हैं, वो भी सैंड में, हाँ वो सारा वहां पर यही है स्टंट वाला, स्टंट क्या बनाना, उन्होंने अपना शेख्स ने तो शेर चीते घर पे रखे हुए, लोग कुत्ते बिल्लियां पाड़ते हैं, वो शेर रख के बैठे हुए, देख लो कैसे उन्होंने, ऐसे चलते हैं उनके साथ, वो सब तेल का कमाल है ना, वहां पे इतना ऑयल निकल गया है कि उनका सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, अदरवाइज वहां पे तो कुछ भी नहीं होता था। ये सारी चीजें ऐसी ही है, दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें फर्दर आपके कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी टू एडवेंचर स्पोर्ट्स रिगार्डिंग वाटर, कौन कौन से होंगे फिर, वाटर से रिलेटेड, ठीक है, माउंटेन से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, तो ये सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन हमारे को कौन कौन से जो सिलेबस में, रॉक क्लाइंबिंग, थ्री, नहीं इससे पहले बेटा ये लिख लो इसकी थ्री कैटेगरीज, जो कई बुक्स में है कईयों में नहीं है, आप इसको लिख लो। फर्स्ट लिख लो लैंड से रिलेटेड, लैंड बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसके आगे लिख लो रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, हाँ माउंटेनियरिंग, ये आपके लैंड से रिलेटेड हो गए। देन वाटर से रिलेटेड लिख लो रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, देन वाटर से रिलेटेड रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, देन एरो,
एयर से रिलेटेड सर्फिंग, फिर आपका एयर एयरो और एयर स्पोर्ट्स जो एयर में होता है दैट इज पैराग्लाइडिंग, ये आपको मेन सिलेबस में ही है। बाकी तो आपके बाइक कार बहुत ज्यादा स्टंट्स वाले हैं वो नहीं, ये बेसिक्स हैं आपको, ठीक है। ये थ्री टाइप्स आपको पूछ सकते हैं कि जो लैंड से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है, उसमें पैरा, उसमें बाकी भी स्कूबा डाइविंग वगैरह है, वो अभी आपको सिलेबस में नहीं, ठीक है। वो ऐसे बहुत से ऐसे हैं, स्कूबा डाइविंग है मतलब वो आप सोच नहीं सकते हो जितने जितने हैं, बट आपको जो मेन है सिलेबस पे ही है। इसमें आपको फर्स्ट आ गया रॉक क्लाइंबिंग से, हम शुरू कर देते हैं। रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है? पत्थरों में, एक पत्थर है उसके ऊपर चढ़ जाना, उधर गए हो आप, क्या नाम अपना, साइंस सिटी सारे गए हो ना, वहां पे भी देखा है एक बना हुआ, किया किसी ने, दैट इज आर्टिफिशियल, नहीं पता। वो कितनी बार तो साइंस सिटी चले गए हो आप लोग, वो अंदर ही है बेटा, वहां स्पोर्ट्स गैलरी में। आप लोग फिफ्थ से जाते हो, मैंने कहा सिक्स से, तो सिक्स से अभी तक गए नहीं, वो जैसे आपका एक वॉल है, वॉल है ना, वॉल पे आपने डिफरेंट एंगल गाड़ के उसको बना दिया, वो हो गया आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग। आपने इसको रॉक की तरह शेप दे दी है, डिफरेंट उसमें एंगल बना दिए, आप चढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपका नेचुरल होता है वो रॉक्स जो होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, वो रॉक्स भी डिफरेंट टाइप की होती है बेटा, एक स्मॉल, एक लॉन्ग, एक स्लिपरी, एक छोटी छोटी उसकी लेयर होती है, ठीक है ना। आपने एसएसटी में पढ़ा है ना रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, उसमें भी आपका क्लाइम करने का डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रॉक ये कच्ची है, पत्थर जैसे होता है ना, कच्चा पत्थर होता है, एक बड़ा हार्ड होता है, उसमें आपने कैसे अपने को क्लाइम करना है, तो वो सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अगर आपने रॉक्स क्लाइंबिंग करनी है। और इसके लिए मेन क्या होता है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंडोरेंस। अगर आपने कहीं पे भी क्लाइंब करना है तो आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पहले हैंड को करना है, उससे पूरी पावर लेके बॉडी को लिफ्ट करना है, लोअर पोर्शन से सपोर्ट देना, फिर अपर, मतलब इट विल बी मोर एंड मोर। क्या होता है आपने उसको देखा होगा, एक वो क्या होता है बेयर ग्रिल्स, वो देखा है उसका काम, देखा है डिस्कवरी, देखते हो वो सारा दिन, कभी मोदी साहब को ले जाता है, कभी यूएसए के प्रेसिडेंट को लेके, तो वेरी पॉपुलर, तो वो सारा दिन उसका ये काम होता है, कैसे कहाँ पे आपने रस्सी से अपने आप को करना है, आपके पास कुछ नहीं है, वो कैसे पेड़ों को काट के बना के उसके बैम्बूज के चल जाता है रिवर पे, ठीक है ना, इसने देखा ही नहीं, वो जाओ कितना फेमस, आज जाके देखना जरा। डिस्कवरी में जाके ना उसका क्या बैरल है, बेयर गिल्स, उसका देखना एपिसोड यूट्यूब में डाल के, वो सारा दिन आपको ऐसे कहीं रोक पे चल गया है और आप सोच भी नहीं सकते हो क्या कर रहा है, वहाँ डेजर्ट में चल गया है, यहाँ पे ठंड बहुत हो जाएगी रात को, दिन को गर्मी हो जाती है, कैमल होते हैं ना, कैमल, कोई कैमल था उसके अंदर, उसको करके उसके अंदर बैठा सो रहा है, मतलब वो अजीबोगरीब करता रहता है सारे काम, अब यहाँ पानी नहीं है तो क्या करना है, फिर वो जो चीज मिलती है वो खा लेगा। How to survive in different situation? Desert में या आप कहीं स्नो वाले इलाके में चले गए हो, इज अ वन ऑफ द फेमस है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड इतना वो फेमस है, वो पानी में चल गया, वहां पे क्या कर रहा है जी, वो बैम्बूज काट के उसकी
बोर्ड बना दी है, आज जाके देखना जरा जाके। क्या बोल रहे डिस्कवरी में तो बेटा बहुत से आते हैं ऐसे ऐसे जो है, अभी लास्ट आपने देखा होगा ना एक तो आपके वो भी बहुत फेमस था जिनकी डेथ हुई थी, फिश फिश का जो एक ना उनको उनका भी नाम मैं भूल गया, उससे बड़ा मतलब वो नंबर वन था उस टाइम तक, और वो लाखों में एक केस होता है कहते हैं वो इन लेक्स कि वाटर में आपको वो फिश का जो एक कांटा होता है वो उसके हार्ट पे लग गया था, मतलब वो लाखों में कभी रेयर चीज है, वो उनके साथ देखो ट्रेजडी हुई, वो भी वन ऑफ द बेस्ट मतलब पॉपुलर था। ये कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका काम सारा दिन यही, वो अपना लोग यहाँ पे घर बार बच्चों को देखते रहते हैं, वो अपने ये फोन बार बार क्यों कर रहे हैं। ओए सुमन एक मिनट, इतना बलवीर मैडम फोन कर रहे हैं बार बार उधर से रिसेप्शन से, उनको बोलो सर की क्लास है, क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल वाले आए होंगे ना। देन नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग इज एंटायरली डिफरेंट। ट्रैकिंग मींस कि आपने कोई भी लॉनली प्लेस पे जाना है जहां पे आपका जिसका पता नहीं कुछ नहीं, आपको भेज देते हैं। जैसे आपको आर्मी में बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, एनडीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, एनडीए क्या होता है, हाँ जी डिफेंस वाला होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। प्लस टू के बाद आप ये जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप आईएमए में जाते हो, सीडीएस, ठीक है, अगर आपने आर्मी में जाना है। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब इवन फॉर गर्ल्स नाउडेज। आपकी मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं दे आर कमीशन ऑफिसर, ठीक है, तो वहां पे आपको एक मैप दे देते हैं, आपको ड्रॉप आउट कर देंगे एनडीए में, जैसे आपका देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, वो क्या करेंगे आपको, हरिद्वार गए हो आप लोग, रास्ते में कहीं पड़ा है कि क्या करना है, मिलना बता दिए उनको, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं वहां ड्रॉप आउट कर देते हैं। आपने वहां देखा है रास्ते में लिखा हुआ बी वेयर ऑफ एलिफेंट्स, पढ़ा है ना, वहां पे हर जगह लिखा हुआ है, वो क्रॉस करते हैं वहां से, आपको वहां पे वो फॉरेस्ट में ड्रॉप आउट कर देंगे, आपको मैप दे देंगे, आपको खाना पीना दे देंगे, आपको इतने घंटे आपने खा पी सकते हो, आपने वापिस आना, आपको ये नहीं पता कहाँ जाना, उनके पास सारा होता है, आप नॉर्थ साइड है, ईस्ट में, वेस्ट, साउथ, सब कुछ आपके पास होगा। तो सेम इन द फील्ड ऑफ दिस ट्रैकिंग यू हैव सीन मोस्टली जितने आपके आते हैं फॉरनर्स, वो किसी को पूछते कम है, उनके पास जहां जाएंगे उसका अपने पास मैप रखा होता है उन्होंने। अब तो आपका सारा सिस्टम जीपीएस शुरू हो गया है, मोबाइल पे डालो जो मर्जी कर लो, अदरवाइज वो क्या सारा मैपिंग सिस्टम से अपने। तो ये ट्रैकिंग में भी आपका ऐसा है, आपको कोई भी ट्रैक दे देंगे, आपने वहां पे जाना है, अपने पूरा दिन वॉक कर रहे हो आप, ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, आपको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता है, आपको उस एरिया का नहीं पता होता है, ये कहाँ जाएगा, कैसे निकलना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रैकिंग इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है,